टीकमगढ़ में चिट फंड कंपनी सोसाइटी फ्रॉड द्वारा ठगी के मामले को लेकर की गई शिकायतों के निवारण के लिए एक शिविर का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में किया गया। टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आम जन को लूटने वाली चिट फंड सोसाइटी और धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों की शिकायतों का निराकरण किया गया, लोगों की समस्या को सुना गया और शिविर के दौरान लोगों को आश्वासन दिया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। इसमें सर सहारा के मामले ज्यादा आ रहे हैं, एक दो ऑप्शन के भी मामले आए हैं सर, इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इस शिविर में तो सभी प्रकार के जो चिटफंड से पीड़ित लोग हैं जी, चिटफंड के जिनको ठगे गए हैं और इसके अलावा जो अन्य प्रकार से ठगे गए हैं वो भी आ सकते हैं जी, सोसाइटी फ्रॉड हैं या अन्य किसी प्रकार के फ्रॉड हैं तो उनको भी हम ले लेंगे, कंसीडर कर रहे हैं। भूलते हैं तो चिटफंड वाले ही इसमें आमंत्रित हैं। इसमें जो है जांच की जाएगी, यदि ऐसा लगता है कि इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने के लायक है तो उसमें तुरंत फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसमें, और ये कार्रवाई काफ़ी त्वरित गति से की जाएगी। ऐसा नहीं है, कई बार जांचें बड़े लंबे समय तक चलती रहती हैं और इन सभी जितने भी आवेदन आएंगे उनका समुचित अध्ययन करके और फिर उसमें हम निराकरण के लिए उसमें प्रयास करेंगे। सर टीकमगढ़ में सहारा से लगभग 1,00,000 लोग पीड़ित हैं, ग्रामीण दूरदराज और जिले में, तो सर इनसे आप बैठ के मीटिंग करेंगे अथवा इन पे कोई कार्रवाई करेंगे, एक्शन प्लान करेंगे कोई? अभी आवेदन ले रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर स्तर पर ही बात कर लेंगे क्योंकि ये पूरे देश भर में इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं और इसमें कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं, कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं, कुछ अभी निर्देश भी मिले हैं पहले के, तो एकदम से इसमें ना करके मैं जाँच करके और साथ में ऊपर से चर्चा करके इसमें क्या वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।